भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। इस फैसले को लेकर हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहा है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, 2000 रुपए के नोट के बंद करने के निर्णय से जनता को ही भुगतना पड़ेगा। साथ ही केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तंज भी कसा। अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि पहले बोले 2000 रुपए का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। वहीं आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी 2000 के नोट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए लिखा, देश की करेंसी नहीं, देश के प्रधानमंत्री को बदलने की जरूरत है, वरना आए दिन चौथी पास राजा तुगलकी फरमान जारी करता रहेगा। वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम ने नोटबंदी कर नए नोटों का चलन शुरू किया था। जब पीएम ने ऐसा किया था तो लोगों की जान चली गई थी, व्यवसाय चौपट हो गए थे। इसने भ्रष्टाचार आतंकवाद को खत्म करने में मदद नहीं की। मुझे आशा है कि ये निर्णय विशेषज्ञों की सिफारिश पर लिया गया है। देखिए, जो नोटों को रोकने की चलाने की जो पूरी की पूरी प्रथा है प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। जब की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ठप हो गई। उसका कोई फायदा ना काले धन में मिला, ना कोई टेररिज्म को रोकने में मिला, ना कोई भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। तो ये जो कदम उठाया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूं कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी, ये कोई जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने लिया है। आरबीआई के मुताबिक जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं, वो उसे बैंक में जमा करा सकते हैं या उसके बदले दूसरे नोट ले सकते हैं। बैंकों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए रखी गई है। यानी एक बार में आप 20,000 तक के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सुविधा 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।